अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम अगेन टू द लेरॉक्स कॉर्नर। आज लेरॉक्स कॉर्नर में मैं आपके लिए फ्रॉक की डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ कि आप किस तरह डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ फ्रॉक्स वेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक दिखाऊंगी कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉक को किस तरह पैनल्स के साथ, चुन्नट्स के साथ और इसके अलावा प्लेट्स के साथ डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रॉक है जो कि पैनल फ्रॉक कहते हैं इसको, और ये लॉन्ग पैनल फ्रॉक है। तो आज मैं आपको 2 शॉर्ट फ्रॉक दिखाऊंगी और 2 जो है वो पैनल फ्रॉक लॉन्ग में दिखाऊंगी। तो ये लॉन्ग पैनल फ्रॉक है जो कि एक ब्लॉक प्रिंट था, जिसके जो है स्लीव्स उन्होंने सेपरेटली ब्लॉक में दिए हुए थे। फ्रॉक के जो हैं वो 8 फ्रंट पे पैनल्स हैं और 8 ही बैक पे। तो मेरी ये 16 पैनल फ्रॉक है। तो मैं आपको एक 4 पैनल और 2 पैनल फ्रॉक भी दिखाती हूँ कि आप वो किस तरह डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि ये इसका नेक लाइन जो है वो फ्रॉक्स का राउंड नेक ही बहुत प्यारा लगता है, सिंपल। तो ये फुल मल्टी कलर में मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इस पर बटन्स अटैच करवाए हैं और ये हुक्स बनाकर बटन लगते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये देखें। और इसका जो घेरा था ये फुल नीचे से, तो ये बॉर्डर भी साइड पर अवेलेबल था, तो इस पर मैंने ये, इसे कहते हैं जिग जैग लैस होती है, ये हर कलर में आती है, प्लेन कलर में भी आती है, और अगर 2 कलर में आप गोल्डन के साथ जाते हैं तो उसमें भी आती है। तो मैंने इसमें से ब्राउन कलर जो था वो चूज़ किया था, और बॉर्डर तक के थोड़ा प्रोमिनेंट हो बॉर्डर। तो ये मैंने इसके फुल नीचे जो है वो फ्रॉक के घेरे पर, आप ये देख सकते हैं इसका घेरा बहुत बड़ा, ये देखें, ये मैंने इसके फुल घेरे पर जो है ना वो ये अटैच करवाई है। और ये आप इसके पैनल्स भी देख सकते हैं, ये इस तरह, ये कुछ इस तरह की शेप आती है फ्रॉक की, ठीक है। ये इसका फ्रंट हो गया बटन्स के साथ, और ये इसके स्लीव्स, स्लीव्स पर ऐसे एक पत्ता था बड़ा सा, और इसके फ्रंट और बैक पर आप चाहें तो एक तरफ भी जो है वो जिग जैग लैस लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बॉर्डर को आप प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ लगवाएं, जैसे मैंने लगवाई हुई है। और बैक इसकी एज यूजुअल प्लेन। तो इसके नीचे ये जो था वो बारीक फैब्रिक था, तो इसके नीचे जो है वो ये मैंने लॉन का जो है ना, इसको समर्स में वेयर करने के लिए लॉन का फैब्रिक लगवाया है, ताकि जो ये इसका प्लेन नेट है वो प्रोमिनेंट ना हो। तो आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रॉक्स के साथ मोस्टली आप ट्राउजर टाइट्स वेयर करते हैं, तो आप इसमें से मल्टी कलर है, कोई भी इसके साथ टाइट वेयर कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ जो है वो ऑफ वाइट वेयर करूँगी, और दुपट्टा मैंने इसका मल्टी जो है ना 2 शेड में, ये ऑरेंज और येलो में जो है वो इसका मैंने लिया है क्रश में। तो ये हमारी हो गई लॉन्ग पैनल फ्रॉक। तो जी फ्रेंड्स, सेकेंड हमारी जो है वो ये शॉर्ट पैनल फ्रॉक, और इसमें पैनल्स भी कम हैं। ये भी नेट थी, ब्लैक कलर की नेट, ये देखें, आजकल नेट का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो आप इसको ज़रूर अपनी ईद के लिए या समर्स में, अगर आपका कोई फंक्शन है, कोई एंगेजमेंट है या कोई वेडिंग है, तो आप उसके लिए भी ये डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो इसी तरह ये जो है ना 1, 2, 3, 4 पैनल, ये 4 फ्रंट पे और 4 बैक पे, तो ये 8 पैनल फ्रॉक है मेरी। और वो वाली जो थी वो मैंने आपको दिखाई थी वो 16 पैनल थी, 8 पैनल फ्रंट 8 पैनल बैक, तो ये उससे थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ में है। तो आप इसका घेरा जो है वो फ्रॉक का आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रखवा सकते हैं। वो ये देखें, ये इसका फुल जो है वो, इस पर मैंने कोई एप्लिक वगैरह नहीं करवाई क्योंकि ये प्लेन ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, पहनी हुई भी और देखने में भी। तो इसके जो बटन्स थे ना वो प्लेन ब्लैक कपड़ा लेकर तो उसके बटन्स बनवाए थे, ये वाले बटन्स मार्केट से नहीं मिलते, ये आपको बनवाने पड़ते हैं, फिर ये टेलर को दिए थे तो ये उसने हुक से अटैच किए थे। तो इसी तरह इस फ्रॉक का भी मैंने राउंड नेक रखवा कर, और ये आई थिंक 30 से 32 बटन्स होते हैं जो आपकी शॉर्ट या लॉन्ग फ्रॉक पे ना, पैनल फ्रॉक पे लगते हैं, तो 30 या 32 बटन्स आप रखें इसके। ये इस तरह नेट के जो हैं वो बाजू थे, तो बाजुओं के नीचे मैंने नहीं लगवाया इनर, लेकिन जो फ्रॉक थी उसके फुल मैंने इनर। तो ये मेरे पास लॉन्ग पैनल फ्रॉक है, सॉरी ये शॉर्ट मेरी पैनल फ्रॉक है। तो जी फ्रेंड्स, अब हमारी है थर्ड फ्रॉक जो कि लॉन पर है, और इसमें साइड प्लीटेड फ्रॉक्स ये बहुत ज़्यादा आजकल इन है, और ये पहनी भी प्यारी लगती है, तो ये मैंने खुद स्टिच की है इसलिए ये देखें, ये इसका मैंने नेकलाइन बनाया था पॉपेट्स के साथ, जो कि साइड पे बॉर्डर मिला हुआ था ना उसके पॉपेट्स बनाए हैं, और एक एक पर्ल अटैच कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरह।
अच्छा इस ये देखें, इसके मैंने ना फ्रॉक जब भी आप बनवाएं ना, अगर ये प्लेटेड फ्रॉक तो आपने यहाँ पे प्लेट्स ज़रूर डलवाएं, उससे जो है ना वो फ्रॉक की लुक बहुत प्यारी आती है। ऊपर से जो पेटी से कहते हैं, ये फ्रंट हो गया, इसका बैक, बैक पे जो है मैंने इसकी ये अटैच की थी सीढ़ीलेस। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये फ्रंट पे प्लेन रखा है। तो ये देखें, इसमें भी दो तरह के ये मेरी फुल फ्रॉक है। ये इसका नीचे का घेरा है, उससे भी मैंने फ्रॉक पे कुछ नहीं लगाया क्योंकि इसका गला जो है वो अच्छा बन गया था, मतलब डिज़ाइनिंग वाला। तो साइड पे सिर्फ फोर प्लेट्स, फोर इस साइड पे और फोर इस साइड पे प्लेट्स अटैच करके, तो आप ये देख सकते हैं ये प्लेट्स हैं, ठीक है। एक होती है धागे वाली चुन्नट, वो फ्रॉक भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये भी शॉर्ट फ्रॉक है, ये भी टाइट्स के साथ वेयर होती है और समर्स में पहनी भी बहुत प्यारी लगती है। इसी तरह ये इसके बाजू भी मैंने प्लेन रखे हैं, बॉर्डर के साथ जो साइड पे मिला हुआ था उससे मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो आप इसकी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये अगेन हमारी शॉर्ट फ्रॉक है लेकिन थोड़े डिफरेंट डिज़ाइन के साथ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें भी ये इसकी पेटी होती है यहाँ तक, और उसके बाद इसके यहाँ पर जो है ना वो पैनल होती है, एक पैनल इधर। तो ये थ्री पैनल, सेंटर पैनल और साइड पे दो पैनल्स, और उसके ऊपर एक सिलाई लगवा लें तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। और ये जो है ना, ये चुन्नट्स वो वाले हैं जो धागे से डलती हैं। एक मैंने आपको अपनी पहली वाली फ्रॉक दिखाई थी जिसमें प्लेट्स थे, लेकिन ये जो हैं वो धागे वाली चुन्नट्स होती हैं, और इनके ऊपर आप अगर लेस अटैच करवाएं तो ये फ्रंट और बैक पे सेम आ रहा होता है। ये देखें, ये इस पर मैंने लेस अटैच करवाई है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। राउंड नेक का फ्रॉक के साथ नेक जो है ना वो राउंड ही रखवाया करें, लेकिन अगर आपने लेसेस वगैरह अटैच करवानी है तो आप जो हैं वो राउंड नेक के साथ करवाएं, और अगर नहीं करवानी, गले की डिज़ाइनिंग करवानी है तो फिर आप लेसेस ना लगवाएं ताकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। तो ये देखें, ये फिर मैंने इसके घेरे, क्योंकि नेक प्लेन थी तो घेरे पे जो है वो मैंने ये लेस अटैच करवाई है, शटल लेस और बाजुओं पर। ये पैनल्स आप नीचे तक आती हैं, यहाँ से स्टार्ट होती हैं पूरी, ये यहाँ तक पैनल होती है, और उसके बाद साइड पे जो है वो सेंटर से आपकी कोई सिलाई नहीं होती, कपड़ा पैनल फ्री होता है, और साइड पे ये डिज़ाइनिंग। तो ये हमारी शॉर्ट फ्रॉक है विद चुन्नट्स, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप इजीली न्यू डिज़ाइनिंग देख सकें।